तो देखिए हम लोग का अभी नाटक होने वाला है यहाँ कला केंद्र में, हम लोग रेडी हैं। ये देखिए सारे कलाकार रेडी हैं अभी नाटक करने के लिए। कुछ ही देर में हम लोग का यहाँ प्रदर्शन होगा, नाट्य प्रदर्शन। सब कोई तैयार है? तैयार। थैंक यू। चलो ऑल द बेस्ट ऑफ आर सबके। यहीं पे सबका बेटा हो या बाप हो भैया, बेटा हो या बाप, बेटा हो या बाप, आओ 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 आओ। आज से बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्भीक होकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहयोग से नई सरकार को चुना जा सके। सुनो सुनो सुनो, किसे वोट? अरे अभी कोरोना फैला हुआ है, कितने बार वोट डाल चुके होंगे। कोरोना फैला हुआ है, दूर रह के बात किया करो। लो सबसे पहले आंख को सैनिटाइज कर लो। हमको दीजिए। नहीं मानोगे इस शरीर को या उस आत्मा को? उस पेड़ पर नहीं, नहीं उस पेड़ पर नहीं, नहीं उस पेड़ पर, उस पेड़ पर, उस पेड़ पर। अरे नहीं नहीं है वहाँ। लगता है इन लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है। दिमाग इंगेज? अरे भैया मेरी समझ से बाहर है, मैं एकदम संसन कर रहा। आप तो सब चौपटे कर दीजिएगा। जाते जाते हम आपसे वादा करते हैं। फिर से वादा? अच्छा प्रणाम नेताजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो चमन भाई? कुछ साल पहले मुझे भी यही दुविधा थी, लेकिन तब अचानक से मेरी नजर इस किताब पर पड़ी। ये किताब जो हमें बताता है हम इस देश के नागरिक है। नागरिक ओ गरीबी, बेरोजगारी, नरेगा नरेगा मनरेगा प्रोग्राम समापन की ओर है। चलिए आपको मिलवाता हूँ आलेख टीम से। ये रंजीत भैया हैं हमारे आलेख टीम के, बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं। कुछ बोलना है? वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, बचिए कोरोना से। अगर ठीक ठाक रहे तो फिर 2023 में फिर मिलेंगे। चेतन भैया से कुछ ले लेते हैं आशीर्वाद। आप लोगों से आग्रह है कि ताली बजाएंगे और हम लोग आपको बोलना है नया साल मुबारक। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, एकदम मंगलमय हो, दंगलमय हो। सब मिथिला जो है जैसा, अरे हम भी गुजर रहे हैं, मिथिला साल बुरा बीता है, नया हम भी यही कहना कि ये साल बहुत अच्छा बीते। पिछले साल का जो दंश हम लोगों ने झेला है, इस साल उसको भूलते हुए कुछ नया करें, कुछ नया सोचें, कुछ धमाका करें और धमाका करें। मैं विकास चंद्रा का ब्लॉग है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि
जितना से ज्यादा हो जितना जितना हो उसको सपोर्ट करें और इसको लोग को प्यार दें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और नए साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और कोरोना को देखते हुए मास्क का यूज करें, सैनिटाइज हमेशा करते रहें अपने हाथों को। बस विक्रम भैया तीसरा स्थान प्राप्त किया है पीयूष। और कुछ बोलिए और सब ठीक है। ये हमारे राजेश भैया हैं। आप सबों का नया साल हार्दिक हार्दिक शुभकामना। राजेश भैया बोल दिए तो समझिए आपका मंगलमय हो गया नया साल। तो अब यहाँ मिलिए नए कलाकार से, न्यू युवा पीढ़ी है, गर्म खून है अभी इनका। तो आदित्य जी, विक्रम कुमार कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से नया साल का आगाज किया है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब पॉजिटिव खून के साथ। हाँ, और पूरे साल इसी तरह पॉजिटिव रहते हुए अच्छे अच्छे काम को करेंगे, अपने काम को अंजाम देंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे और खुद का भी ध्यान रखेंगे और नया साल के आने वाले वर्षों में और धमाल मचाएंगे। और आप भी अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कहना चाहेंगे कि आज हम लोग ने जो मत किए हैं सरकार के द्वारा गाइडलाइंस को पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए किए। बहुत कम लोग था लेकिन बहुत अच्छा है। मिलते रहेंगे हम लोग, अपना प्यार देते रहेंगे, आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे शहर का जो जितने भी बेशकीमती बहुत सारी चीज़ है जिसको बारी बारी से हमारे विकास भाई साहब आपको दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको आप समय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ब्लॉग्स पे। ये मिलते हैं शशि भैया से, जो अच्छा फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़पेपर में भी ये मतलब काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। शशि भैया कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? सबको नववर्ष मुबारक। और चार पंक्तियां हैं। अच्छा। कि कोई किस्सा कमाल मत लिखना, कोई किस्सा कमाल मत लिखना, बुरे दिन का ख्याल मत लिखना, कोई किस्सा कमाल मत लिखना, बुरे दिन का ख्याल मत लिखना, आदमी हो तो आदमी की तरह, आदमी हो तो आदमी की तरह, उनसे कोई सवाल मत लिखना। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए विकास चंद्रा ब्लॉग्स। यहाँ घोर तापने का कार्यक्रम शुरू है। इतनी ठंड है यहाँ भागलपुर में कि यहाँ आग जलाना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर है, अटैची से यहाँ देखिए निकल रहा है माल। टूटल घर छे, फटल चटिया, हवा सटा सट मारे छे। अरे बुढ़वा दादा जार के मारे, गुरीम रात घुसी आवे छे। अरे टूटलो घर छे, फटलो चटिया, हवा सटा सट मारे। एक नंबर टूटेगा नहीं आएगा ना।